अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी बलोची, एक सालन है जीरा आप जिसे कहते हैं, हम आपके लिए इसको बनाएंगे रोटी का सालन। आइए देखते हैं इसमें चीज़ें क्या क्या डलती हैं और ये बनता कैसे है। हाँ जी, इसके लिए आपको चाहिए होगी एक मीडियम ऑनियन, धनिया आपको चाहिए होगा 2 हैंडफुल, टमाटर मैं ले रही हूँ 1 टिन, आपको अगर फ्रेश चाहिए तो आप 5 अदद ले लीजिएगा। फ्रेश लहसुन आपको चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच, ये फ्रेश है, मैं इसको पीसूंगी। 8 से 10 आप हरी मिर्चें ले लें, अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा ले लें, अगर कम पसंद करते हो तो कम कर दें इसको। इमली एटलीस्ट 2 खाने के चम्मच भर के आप भिगो के रख लें। 1 चाय का चम्मच आपको चाहिए होगा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय का चम्मच ले रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। रोटियां मैंने 6 अदद ले ली हैं, फ्रेश से आप बनाएंगे आपको वो मज़ा नहीं देगी, ये थोड़ी रखी हुई रोटी से बना, जैसे कि कल रात को बनाई है रोटी, परसों बनाई है, बच गई है रोटी, आप फ्रिज में रख दें और इसको बनाएं। और पकाने के लिए हमें चाहिए होगा तेल। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। हमने चूल्हा ऑन कर दिया था, तेल उसमें डाल दिया था पैन में, अब इसमें प्याज को डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे सुनहरी करने तक। हाँ जी, इतने में प्याज सुनहरी होती है, हम जो टमाटर वो डाल देंगे मिक्सी में, और जो धनिया थी वो डाल देंगे, और हरी मिर्चें डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, सॉरी हल्दी डाल के इसको हम अब पीस लेंगे। हाँ, यहाँ पे प्याज हमारी सुनहरी हो चुकी है, अब हम उसमें लहसुन और जो जीरा थी वो डाल देंगे, इसको डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। लहसुन की खुशबू जैसी निकलती है, थोड़ी सी फ्राई होती है, अब जो हमने मसाला पीस लिया था वो 1 मिनट बाद थोड़ा सा और सुनहरी कर लेंगे इसको। अब जो है मसाला जो हमने पीसा था वो इसमें डाल देंगे, डाल के इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। हाँ जी, अभी मसाला इसको हम बिल्कुल तेज़ आंच पे भुनने तक पकाएंगे, भुनाई इसकी करेंगे फिर आपको बताएंगे। हाँ जी, यहाँ देखिए ये पूरी तरीके से भुन चुकी है, अच्छे से देखें भुनाई इसकी हो गई है। अब हम जो रोटी थी उसको हमने इस तरह से टुकड़े करके, एक अपने वाले के जितने टुकड़े करके रख दिया था, अब इसको हम डाल देंगे इस मसाले में, मसाले में डाल के इसको मसाले के साथ मिक्स करके इसके अंदर फिर पानी डाल देंगे। अब ये पानी डाल के, पानी डालेंगे तो अच्छे से ये मसाले में मिक्स हो जाएगी। तेज़ आंच रखिएगा इसकी, और इसमें थोड़ा हम पानी डाल देते हैं लेके। अब इसकी आंच तेज़ रखिएगा जब तक इसमें रोटी नरम हो जाएगी, थोड़ी सी पक जाएगी, तकरीबन 5 मिनट इसकी आंच तेज़ रखिएगा चूल्हा ढक के, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, 5 मिनट हो गए, तेज़ आंच पकाया, खोल देते हैं इसको। लेकिन इधर उधर नहीं, आपने 5 मिनट तक ये नहीं कि छोड़ के चले जाना है, किचन में ही रहना है आपको, ये लग ना जाए नीचे। अब इसकी आंच को हम हल्का कर देंगे, और जो इमली थी हमने वो घोल के रख दी थी, उसका हम जो है वो डाल देंगे जूस, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको बिल्कुल दम पे अब तकरीबन 10 मिनट तक ढक्कन ढक के दम पे पकाएंगे। हाँ जी, तो 10 मिनट हो गए दम पे रखे हुए, हमने चूल्हा खोल दिया, बिल्कुल देखें ये रेडी हो गई है, इतनी ज़बरदस्त देखें लग रही है, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ चूल्हा बंद करके। हाँ जी, देखें तैयार हो गई हमारी ज़िरगाप रोटी का सालन, इतनी ज़बरदस्त लग रही है, इतने मज़े की लग रही है, चटपटी सी है,
कम चीज़ें कम मसालों में बनती है, और जैसे मैंने आपको कहा था आपको फ्रेश रोटी के साथ बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाएगी, मज़े की नहीं बनेगी इसको, इसीलिए थोड़ी रखी हुई रोटी के साथ बनाते हैं। और इसको गर्मा गर्म आपने खाना है, बहुत ही चटपटी है, बहुत मज़ेदार है। आप देखें इसको बना के देखें, अगर अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, दुआ में अपने याद रखें, मुझे अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।